दोस्तों, जैसे कि आज का वीडियो है बिजली टैपिंग कनेक्शन पे, जो कि आप लोगों ने कमेंट किया था बहुत ज़्यादा कि बिजली का कनेक्शन कौन सी तरह करवाएं सीलिंग में कि जो सही होगा फोर सीलिंग के अंदर। चलिए आज मैं ये वीडियो बिना देर किए करता हूँ स्टार्ट। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा, देखिए छत में सीलिंग के अंदर इस प्रकार से हमने कनेक्शन किया है। इस प्रकार से जैसे कि आपको एक प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होगी इस तरह की कनेक्शन करने के लिए। इसके लिए आपको कनेक्शन करने के लिए आपको कभी भी फोर सीलिंग टांगने से पहले करना होगा ये सब चीज़। आप फोर सीलिंग टांगने से पहले करेंगे तो आपका कनेक्शन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इस तरह का कनेक्शन करने के लिए आपको स्पेस की ज़रूरत होती है, खुला एरिया चाहिए होता है। तो ये चीज़ आप फोर सीलिंग करने से पहले करें, और इस तरह से कनेक्शन आप करते हैं तो आपका कनेक्शन में कभी भी बिजली के काम में आपके कनेक्शन में दिक्कत नहीं आएगा। और मैं कहता हूँ कि इसी प्रकार से आप कनेक्शन करें, सबसे अच्छा होता है, सबसे बेहतर होता है इस तरह का अगर आप कनेक्शन करते हैं तो। और इस तरह से पाइप लगाने के लिए आपको एक अल्मीनियम टैपिंग का ज़रूरत होता है, जिसकी सहायता से फोर सीलिंग के अंदर इसको लगाया जाता है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने हर जगह जगह नंबर बाई नंबर से लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? क्योंकि इस प्रकार से लगाने का दो फायदा है। एक तो हमारा कभी लटकने का और कोई इधर उधर होने का चांस नहीं रहेगा। दूसरा कि आपका काम बहुत हैवी और बहुत ही अच्छा होगा इस तरह से आप करेंगे। और मैं आशा करता हूँ आपको इसमें कुछ समझ में आया हो तो आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। कोई कमी दिखी हो तो आप ज़रूर